हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड आप लोग कैसे हो? फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड आप लोग का कल कमेंट आया था रेडमी MI एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ऊपर। आप लोग में से बहुत सारे बंदे थे जिन्होंने मेरे चैनल पर कमेंट किए थे कि सर रेडमी के ऊपर कोई वीडियो बनाओ जिस मेथड के अनुसार हम किसी भी रेडमी मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो को आप लोगों ने ओपन किया होगा हमारा थंबनेल को देखकर। हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है हाउ टू अनलॉक रेडमी MI एंड्रॉयड स्मार्टफोन। तो फ्रेंड अगर आप भी रेडमी फ़ोन यूज करते हो या रेडमी फ़ोन न्यू मार्केट से परचेज करके लेके आए हो और किसी कारणवश आपका रेडमी फ़ोन इस प्रकार लॉक हो चुका है, पासवर्ड पैटर्न पिन और अनलॉक नहीं हो रहा है, तब जाकर आपने इस वीडियो को ओपन किया। पासवर्ड पैटर्न पिन तीनों मेथड तीनों लॉक इस मेथड से टूटेगा। फ्रेंड अगर आप सोच रहे हो कि इस फोन में पासवर्ड लॉक है तो सिर्फ पासवर्ड लॉक रिमूव होगा तो ये गलत सोच रहे हो। जो मेथड हम आपको बता रहे हैं मार्च और अप्रैल मंथ का, वो मेथड हम आपको बता रहे हैं जो मार्च में भी वर्क है और अप्रैल में भी वर्किंग में है। तो जो भी हम इस मेथड में इस वीडियो में मेथड को बताएंगे उस मेथड को आप लोग का वर्क रहेगा। आपको अपना रेडमी MI एंड्रॉयड स्मार्टफोन में सेम तरीके से प्रोसेस करना और उसको प्रोसेस में डालना, तब जाकर आपका फोन अनलॉक होगा। नहीं तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड कि जब आपका फोन इस प्रकार से लॉक होता है और अनलॉक नहीं होता है तो आप अपने फोन को लेकर काफी परेशान और चिंतित हो जाते हो, क्योंकि आप अपने फोन से कोई वर्क नहीं कर पाते हो। ऐसे में 99% व्यक्ति डायरेक्ट जाते हैं सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास पासवर्ड पैटर्न पिन को रिमूव कराने, और वहां पे होता भी है। लेकिन पैसा समय डाटा देने के बाद यहाँ पे इस वीडियो में आपका पैसा नहीं लगेगा, डाटा नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा और जो भी होगा आप लोग के सामने होगा। सर्विस सेंटर वाले जो भी वर्क करेंगे आपको कभी दिखाएंगे नहीं फ्रेंड, ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप चाहते हो कि आपका रेडमी फ़ोन घर बैठे अनलॉक हो जाए, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा लॉस किए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के, बिना कोई इंटरनेट कनेक्शन के, अगर आप चाहते हो कि आपका रेडमी फ़ोन अनलॉक हो जाए तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको वो मेथड बताएंगे जिस मेथड से आप घर बैठे बिना पैसा दिए हुए अपना रेडमी मोबाइल का लॉक तोड़ सकते हो। तो आइए फ्रेंड मैं बिना टाइम लिए इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाऊँ और वो डायरेक्ट आप लोग के पास पहुँचे। या तो कभी भी आप अनलॉकिंग से रिलेटेड परेशान हो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कॉमेंट करके हमसे हेल्प भी ले सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड फाइनली आइए मैं इस वीडियो पे आता हूँ। सबसे पहले जब आप स्वीपअप करोगे आप देखोगे यहाँ पासवर्ड लॉक है। आप यहाँ पे पासवर्ड डायल करने के अलावा कोई वर्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ओनली पासवर्ड डालने का ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर कुछ नहीं, दाएं कुछ नहीं, बाएं कुछ नहीं। नीचे आपका एक ऑप्शन है इमरजेंसी कॉल। उसके अलावा जब आप बार बार यहाँ पे पासवर्ड डायल करोगे सेकंड शो करेगा, फिर ट्राई करोगे पासवर्ड डालकर तो मिनट शो करेगा। ऐसे में फ़ोन धीरे धीरे और भी डेथ होता चला जाएगा। आपको फाइनली यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना है। मैं फिर से करके बता देता हूँ, स्वीपअप करोगे कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा वर्क करने का, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ। आप नीचे देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा इमरजेंसी कॉल का, आप इस इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कर देना। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे फ्रेंड तो आपके सामने एक न्यू डायलेट ओपन होगा, जो डायलेट आपका पासवर्ड पैटर्न पिन का नहीं होगा, ये डायलेट आपका कॉलिंग का होगा। तो इस डायलेट में आपको सबसे पहले FRP कोड का इस्तेमाल करना है। FRP कोड, जिस कोड के मदद से #11#, कोड ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहला वर्क आप लोग का ये होगा कि इस कोड को आप लोग देखिए, वो भी सही तरीके से, क्योंकि अगर इस कोड में आप किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक करते हो तो आपका FRP लॉक रिमूव नहीं होता है। और किसी भी फ़ोन का ये कोड तो पर्सनली रेडमी के लिए है, लेकिन किसी भी फ़ोन का लॉक तोड़ने के लिए सबसे पहले उस फ़ोन का FRP लॉक रिमूव किया जाता है फ्रेंड, और ये कोड से आप अपने फ़ोन का FRP लॉक रिमूव कर सकते हो। तो इस कोड को अपने रेडमी फ़ोन में डायल करो और दो बार कॉल करो, ओनली 2 टाइम। कॉल पे क्लिक कीजिएगा, कॉल फील्ड का मैसेज आएगा, उसको ओके कीजिएगा, ये 1 टाइम कॉल कंप्लीट। इसी प्रकार एक बार और कर लीजिए, 2 बार कॉल कंप्लीट। अब आपका FRP लॉक रिमूव हो चुका है। ये कोड इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये कोड इंपॉर्टेंट है, बस इतना आप याद रखना। इस कोड को एक एक करके हटाना और जिस कोड को जैसे जैसे हम इरेज करेंगे आपको भी सेम उसी प्रकार से इरेज करना है। ये कोड को भी आप लोग देखिए, ये कोड ऑफलाइन मूड एक्टिवेशन कोड है, ऑफलाइन मूड एक्टिवेशन कोड।
जिस कोड के मदद से आपके फोन में जो भी डाटा है वो डाटा ये कोड टोटल का टोटल आपको रिकवर करके देगा। जो डाटा सर्विस सेंटर वाले पैसा और समय लेने के बाद भी आप लोग को रिकवर करके नहीं देते हैं, तो ये कोड आपका वो डाटा टोटल का टोटल रिकवर करेगा। बस इस कोड को 5 times कॉल करना है, ओनली 5 times कॉल इसलिए किया जाता है ताकि ये कोड आपके फ़ोन में वर्किंग करे और एक्टिव हो जाए और टोटल का टोटल डाटा को रिकवर करे। जो पैसा और समय लेने के बाद भी नहीं कर पाते हैं हम आपको यहाँ पे फ्री में करके देंगे फ्रेंड। 5 times इस कोड को कॉल कर लेना और कोड में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक मत करना दोस्त, कोड को सही से डायल करना 1, 2, 3, 4 and then 5। इस कोड को हम डायरेक्ट रीच करेंगे। कोड को मैं बार बार बता रहा हूँ, कोड में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आपका फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाता है बाय मिस्टेक किसी कारण बस, तो आप दोबारा से ट्राई करना कोड को सही सही डाल करके। तो इस कोड को भी देख लीजिए, ये कोड हार्ड रीसेट एक्टिव कोड है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी भी रेडमी फ़ोन का लॉक तोड़ लोगे या तोड़ोगे तो आपको इस कोड का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास नहीं जाना चाहते हो, पैसा नहीं देना चाहते हो, तो इस कोड को डायल कर दीजिए अपने रेडमी फ़ोन में और 9 times कॉल कर लीजिए, ओनली 9 times, वो भी तुरंत। कॉल फील्ड का मैसेज आएगा, उसको ओके कीजिएगा। जिस फ़ोन में कोड गायब होता है, जैसा कि एक बार इस कोड का कॉल कंप्लीट हो चुका है तो ये कोड गायब हो जाएगा, तो हम उस कोड को लिख के रखे हैं, स्क्रीनशॉट करके रखे हैं, 8 times डायल करेंगे और 8 times कॉल करेंगे, इसी प्रकार आपका कॉल कंप्लीट होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then 9 इस कोड को एक एक करके हटाना है, एक एक करके, क्योंकि ये हार्ड रीसेट एक्टिव कोड था। अब आपको यहाँ पे होम बटन है, होम बटन पे क्लिक कीजिए। यदि स्वीपअप का सेटिंग से ऑन रखे हो स्वीपअप, तो आप स्वीपअप कीजिए, लेकिन होम से ही। यहाँ पे होम बटन है, हम होम बटन पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये रेडमी फ़ोन अनलॉक हो चुका है, वो भी विदाउट डाटा लॉस हो चुका है। इस फ़ोन का एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप अभी सर्विस सेंटर जाते फ्रेंड तो पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा भी लग जाता, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले डाटा टोटल का टोटल डिलीट कर देते हैं। लेकिन मैंने पैसा बचाया, समय बचाया, डाटा बचाया और जो भी किया आप लोग के सामने किया। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल के मॉडल नंबर के साथ कमेंट कीजिएगा, मैं आपका पूरा मदद करूंगा। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा फ्रेंड ताकि आप लोग कभी भी ऐसा सिचुएशन में फंसिएगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हो फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।